नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं वंदना चुरेंद्र, कोयतूर फिश फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड से। हम इस चैनल पे मछली पालन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ आप तक उपलब्ध कराते हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये चैनल आपको पसंद आए। जो हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, कुछ जानकारियों की और आवश्यकता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। हमने और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस पर बनाए हैं, जैसे कि CN रेशियो पर और TSS पर, TSS कैसे कंट्रोल किया जाए इस पर, इसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। आज हमारा टॉपिक है FCO प्रिपरेशन। FCO हम क्यों यूज़ करते हैं, अमोनिया कंट्रोल के अलावा FCO का और क्या यूज़ है, और यह कब तक ख़राब होता है, कितने ड्यूरेशन में इसे यूज़ करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बनाने के तरीके पर बात करते हैं। FCO बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसके लिए हम एक 200 लीटर का प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील का ड्रम लेंगे, जिसपे हम 180 लीटर पानी डालेंगे। ध्यान रहे कि ये पानी आप कुएं का या तालाब का यूज़ ना करें, क्योंकि इस पे बहुत सारी हार्मफुल बैक्टीरिया होता है जो कि आपके यूज़ का नहीं होता है, जो आपके कल्चर को ख़राब कर सकता है। यदि आप टैप वाटर या नगर निगम का पानी यूज़ करते हैं तो ध्यान रखें कि 4 से 5 दिन इसमें इरिगेशन डालकर रखिए, फिर उसके बाद आप FCO प्रिपरेशन के लिए इसे यूज़ कीजिए। यदि आप बोरवेल का पानी यूज़ करते हैं तो आप इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 200 लीटर का हम ड्रम दिए, इस पर 180 लीटर हमने पानी डाला, फिर इसमें 100 ग्राम प्रोबायोटिक, 2.5 kg मोलेसिस और 300 ग्राम सॉल्ट का यूज़ करते हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और 24 से 48 घंटे के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। 48 घंटों में वो रेडी हो जाता है। हम इसे ओपन करके देखते हैं, इसके सुगंध एक मीठी मीठी सी सुगंध आएगी इस पर, और थोड़ा सा झाग होगा, इसका कलर आपको इजली पहचान में आ जाएगा। अब ये 48 घंटे बाद पूर्ण रूप से रेडी हो गया है आपके बायोफ्लॉक टैंक पे डालने के लिए। प्रति 10,000 लीटर आप 20 लीटर से 40 लीटर तक के आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। FCO यूज़ हम क्यों करें, फर्मेंटेड कार्बन ऑर्गेनिक हम टैंक पे यूज़ क्यों करें, वाटर प्रिपरेशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं या अमोनिया कंट्रोल के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं, ये दोनों चीज़ों के अलावा हम फीड को फर्मेंट करने के लिए भी FCO का यूज़ करते हैं। फीड को फर्मेंट करके खिलाने से फिश की डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहती है, उन्हें सही तरीके का एनर्जी मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके यूज़फुल हो, आपके लिए यूज़फुल हो, और ऐसी जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल पर।